तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं एज पर मिक्स डिजाइन। मेरे पास एक मिक्स डिजाइन का सैंपल रखा हुआ है, उसमें रेशियो के अकॉर्डिंगली हम लोग सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को निकालेंगे। जैसे आप लोगों की यूट्यूब कमेंट्स में मैंने देखा था कि 1 मीटर क्यूब के लिए जो कॉन्क्रीट हम लोग निकालते हैं उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, और उसके साथ साथ में ही वाटर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो सब चीजें हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो अंत तक के जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें और बहुत कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिक्स डिजाइन फॉर M25 ग्रेड। यहां पे मेरे पास एक रिजल्ट रखा हुआ है जो कि आप कभी भी मिक्स डिजाइन करवाते हैं या अगर आप साइट में खुद से मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए जिससे आप उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप बाहर कंसल्टेंसी में देते हैं तो कुछ वो इस फॉर्मेट में एक पूरा फॉर्मेट रहता है उनके पास मिक्स डिजाइन का, उसमें से सिर्फ हमको इस टेबल की जरूरत होती है एज अ क्वांटिटी सर्वेयर क्वांटिटी निकालने के लिए। तो ये सिर्फ टेबल से ही हम लोग पूरी चीजें निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिक्स डिजाइन के लिए IS कोड यूज किया गया है वो 10262 यूज किया गया है, और भी अदर IS कोड्स के रेफरेंसेस लिए जाते हैं मिक्स डिजाइन के लिए, जैसे IS 456। अब नॉमिनल मिक्स आपको पता है कि M5 से M20 तक के होता है, M25 के ऊपर सब जितने भी डिजाइन होते हैं उनको हम मिक्स डिजाइन बोलते हैं। तो मैक्सिमम ग्रेड फॉर RCC होता है आपका M20। कई कई बुक्स में कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ग्रेड जो मिनिमम ग्रेड होता है आपका RCC का वो M15 होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको कम से कम M20 तो यूज करना ही पड़ेगा RCC के केस में। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वाटर पता है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.50, सीमेंट 360 kg लिखा है, मतलब इसको मैंने 1 के रिस्पेक्ट में निकाला है। फाइन एग्रीगेट जो है 1.84 और जो कोर्स एग्रीगेट है वो 3.40। तो ये जो मिक्स है, मिक्स डिजाइन फॉर M25 ग्रेड विद अल्ट्राटेक PSC, तो यहाँ पे जो मिक्स मेरा निकल के आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा है M25 का कि 1:1:2 होता है, बट एज पर मिक्स डिजाइन करने के कारण, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स की डेंसिटी अलग अलग होती है हर एक जोन में, तो उसके कारण हमारे मिक्स रेशियोज भी चेंज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साइट में अगर M25 है तो आप यही रेशियो फॉलो करोगे, ये चेंज हो सकता है एज पर साइट कंडीशंस आपके मटेरियल्स के अकॉर्डिंगली। अभी मेरे पास जो रेशियो है वो रेशियो कितना है मिक्स रेशियो एज पर जो मेरा टेबल था 1:1.84:3.40, और जो वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मैं यहां ले रहा हूं वो 1 क्यूबिक मीटर ले रहा हूं, और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.50 ले रहे हैं। अब मैंने यहां लिखा हुआ है वेट वॉल्यूम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो हम लोग कॉन्क्रीट का कैलकुलेशन करते हैं तो जब मैं उसको बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने के लिए जब एस्टिमेशन करता हूं वहां पे मैं उसके वेट वॉल्यूम पे ही उस रेट को लगाता हूं, पर एक्चुअली मैं जब मेरे को उन मटेरियल्स की क्वांटिटी निकालनी होती है तो मैं उसको वेट वॉल्यूम पे नहीं निकाल सकता, मेरे को उसको ड्राई वॉल्यूम पे ही निकालना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आगे देखेंगे। यहां पे हम लोगों को निकालना है क्वांटिटी फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट जिसमें हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीमेंट से। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे को क्वांटिटी फॉर 1 क्यूबिक निकालना है, उसमें आपका सीमेंट की वैल्यू निकालनी है जिसमें रेशियो लेना है हमको 1:1.84:3.40 एज पर हमारे मिक्स डिजाइन के अकॉर्डिंगली। अब मैं जो सीमेंट है वो डायरेक्टली मैं नंबर ऑफ बैग्स में ही कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है आपका, क्या है, ड्राई वॉल्यूम इंटू सीमेंट कंटेंट इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज इंटू 50। यहां पे जो 50 है वो क्या होता है, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो इसके लिए जो ड्राई वॉल्यूम होगा, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ड्राई कोफिशियंट का यूज करना पड़ेगा जो कि 1.54 होता है, जैसे कि पिछले वीडियो मैंने बताया था। वेट वॉल्यूम मेरा 1 क्यूबिक मीटर है, ड्राई वॉल्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 1:1.54 फिर उसके बाद क्या है, ये हो गया मेरा ड्राई वॉल्यूम। सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट कितना होगा, ये है मेरा सीमेंट का कंटेंट, तो सीमेंट का कंटेंट कितना है 1 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होती है सीमेंट की 1440 kg/m³। फिर आपको इस सब को डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियोज से, तो सम ऑफ रेशियोज कितना होगा 1:1.84+3.40
किससे करेंगे, 50 से। यहां पे नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे इस सम ऑफ रेशियोज में, ये 50 है आपका वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। यही फॉर्मूला से आप यूज करेंगे तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैग्स मेरे को लगेंगे सीमेंट के। यही एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। बस इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमको यहाँ पे वेट वॉल्यूम ना यूज करके हमको ड्राई वॉल्यूम यूज करना है, और वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में जाने के लिए हमको 1.54 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बैग्स निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने नंबर ऑफ बैग्स आ रहे हैं सीमेंट के। फिर दूसरा अपन बात करते हैं सैंड के बारे में। यहाँ पे भी सैंड, मेरा सैंड का कंटेंट कितना है यहाँ पे, 1.84। ये है हमारा सैंड का कंटेंट। जो बीच वाला रेशियो रहता है ये होता है आपका सीमेंट इस टू सैंड इस टू एग्रीगेट, ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। तो मेरा यहाँ सैंड का कंटेंट कितना है, कितना रेशियो लेना है मेरे को, 1.84। तो सैंड की जो वैल्यू मैं वो क्यूबिक मीटर में निकाल रहा हूँ, उसके लिए जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, ड्राई वॉल्यूम इंटू सैंड कंटेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो यहाँ से ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर से मेरा 1 जो कि मेरा वेट वॉल्यूम है, 1.54 जो कि मेरा ड्राई कोफिशियंट है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा, इंटू सैंड कंटेंट, सैंड का कंटेंट कितना है मेरा 1.84 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। तो सम ऑफ रेशियो कितना है मेरा, 1+1.84+3.40। ये जो रेशियो है वो मेरे को मिक्स डिजाइन से ही मिला है, ठीक है। यहां से जो वैल्यू का निकल के आता है वो आपका क्यूबिक मीटर में आता है। तो ये क्यूबिक मीटर क्या है, बिलिंग के टाइम पे यूज करते हैं, बट साइट में हम लोगों को इसको क्यूबिक फीट में बताना पड़ता है कि कितना क्यूबिक फीट माल मेरे को मंगवाना है या रेती मंगवाना है। तो क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में जाने के लिए जस्ट मेरे को क्या करना पड़ता है, यहां पे जो भी वैल्यू आएगी, सपोज हैश वैल्यू है, उस हैश वैल्यू में आपको जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 35.31 का, तो वहां से वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में जाने के लिए 35.31 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से हमको सैंड की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये सब वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको करना है, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करना है, बहुत बेसिक चीज है। अगर आप एक फ्रेशर साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं, फ्रेशर है, तो आपको साइट में तुरंत ये तुरंत सॉल्व होने वाली चीज है, तुरंत पता होना चाहिए कि मोबाइल में या अगर नोटपैड है तो तुरंत वहां पे सॉल्व करके अपने को आंसर वहां देना है कि कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट मेरे को लगने वाला है उस कॉन्क्रीटिंग में। तो इसलिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट अपन अब देखते हैं एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो एग्रीगेट यहां पे जो 3.40 है, ये है मेरा एग्रीगेट का कंटेंट, ठीक है। अब यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट बोल देता हूं, एग्रीगेट बोल देता हूं, तो सीमेंट तो मेरा चलो ठीक है, सीमेंट पता चल गया, जो सैंड है वो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं और जो मेरे एग्रीगेट है वो कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। तो यहां पे अब अपन निकालने वाले हैं कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट। तो कोर्स एग्रीगेट को भी फिर किसमें निकाल रहे हैं हम लोग, क्यूबिक मीटर में, ड्राई वॉल्यूम इंटू एग्रीगेट का कंटेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। ये सब फॉर्मूलाज आपके चेंज नहीं होंगे, तो बिल्कुल आप इसको याद भी कर ले और समझ भी ले, तो आप यही फॉर्मूला यूज करके हर बार उस वैल्यूज को निकाल सकते हैं, चाहे आपका रेशियो कुछ भी हो, चाहे आपका ड्राई वॉल्यूम कुछ भी हो, सिर्फ यहाँ पे आपका ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम के लिए फिर क्या हो जाएगा, 1 × 1.54, ठीक है, इंटू एग्रीगेट का कंटेंट कितना है मेरा 3.40, तो यहां पे लिख दिए 3.40 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा फिर से, 1+1.84+3.40, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा फिर से एग्रीगेट क्यूबिक मीटर में, और क्यूबिक फीट में जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, जस्ट 35.31 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्यूबिक फीट में भी मिल जाएगा। तो यहां से अपन ने देख लिया अभी तक कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी अपन कैसे निकालते हैं। अब लास्ट देखते हैं वाटर का कंटेंट कैसे निकालते हैं। तो अब अपन बात करने वाले हैं वॉल्यूम फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर फॉर M25 मिक्स, जो कि हमको मिक्स डिजाइन से पता चला। तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आप फॉलो करो,
वाटर सीमेंट रेशियो इंटू नंबर ऑफ बैग्स इंटू वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आप यूज करो, वाटर सीमेंट रेशियो इंटू नंबर ऑफ बैग्स इंटू वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। अब वाटर सीमेंट रेशियो, ये वाटर सीमेंट रेशियो मेरे को ऑलरेडी कहां से मिल जाएगा, जो मेरे पास मिक्स डिजाइन रहेगा वहां पे मेरे को ऑलरेडी वो दिया रहेगा कि कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज करना है। तो वहां से अपन वाटर सीमेंट रेशियो कितना ले लिए, 0.5 इंटू नंबर ऑफ बैग्स। कहां से निकलेंगे, जस्ट फर्स्ट स्टेप याद करिए, जिसमें हमको सीमेंट को नंबर ऑफ बैग्स में निकालना है। वहां से जो भी वैल्यू आती है नंबर ऑफ बैग्स में, सपोज एट द रेट जो भी वैल्यू आती है उसकी, उस वैल्यू को यहां रखिएगा, नंबर ऑफ बैग्स मिल गए मेरे को, इंटू वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है 50 किलो। ठीक है, तो यहां से ये यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है, और इसकी जो यूनिट है वो केजी में है। तो यहां से जो मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आएगा वो केजी में आएगा, और मैं लगभग अपन मान के चलते हैं कि केजी विल बी इक्वल टू लीटर्स। तो इसलिए हम यहां पे इस वाटर सीमेंट रेशियो की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ वाटर को लीटर्स में भी शो कर सकते हैं। तो आई होप इंजीनियर्स ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया, आपका सीमेंट का बैग्स कितना आया, सैंड कितना आया, एग्रीगेट कितना आया, और उस चीज को प्रैक्टिस करिए डिफरेंट डिफरेंट। आपको क्वेश्चन से ये कुछ नहीं करना है, जाओ कहीं पे भी अगर फुटिंग बन रहा है, कहीं पे भी कॉलम दिख रहा है, उस कॉलम को नाप दो, उसकी हाइट को नाप लो, उसकी लेंथ को नाप लो, उसकी विड्थ को नाप लो, उससे उसका वॉल्यूम निकालो। जो वॉल्यूम निकलेगा वो वेट वॉल्यूम होगा, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना ना भूले। ड्राई वॉल्यूम जैसे ही हम उसको निकाल लेंगे तो वहां से हम इजिली सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो आई होप इंजीनियर्स आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो बने रहिएगा सिविल गुरु जी के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।